बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आई होप तो आप सब ठीक ही होंगे। और आज 11 बज चुके हैं और मैं अभी तक उठा नहीं हूँ। तो गाइस आज भी मौसम बाहर का बिल्कुल ही ख़राब है। यहाँ से आज तो मैंने खिड़की बंद की है ना, तो ख़राब है। तो चलो देखते हैं खाने में क्या बना है, क्योंकि यार मैंने तो चाय पी ली है बेड पे ही। और बाहर चलते हैं। और बनीखेत में तो बर्फ़ ही बर्फ़ हो चुकी है यार, एक एक फुट बर्फ हो चुकी है। दीपक कर की हिमाचली व्लॉग, उसके चैनल में देखना जाके, वहाँ पे मतलब बनीखेत में क्या ही मतलब व्यू है। वो गया था व्लॉग शूट करने मेरा फ्रेंड, तो उसका भी है चैनल। तो उसके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, उसकी वीडियोस को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसके व्लॉग्स भी देख लेना जो कल का बनीखेत का है। तो गाइस अभी तो हमने जाना है, थोड़ी देर बाद बाहर चलते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या मतलब नानी ने क्या बनाया है, बुआ ने क्या बनाया है। तो चलो हम खाना खा के आ चुके हैं और शाखू हमारा बेचारा यहाँ पे बैठा हुआ है। और आज मौसम इतना अच्छा है ना, मेरे को आपको पहाड़ का शॉट लेके दिखाता हूँ, इतना अच्छा लग रहा है ना पहाड़ का। अभी मैं सच में बोलू ना, तो कमरे में बैठ के यार मैं थक था गया। और दीपक आ रहा है, उसके घर में लाइट भी नहीं है, तो वो मैं यहाँ पे आ रहा है लाइट, यहाँ पे लाइट आया ना। और बनीखेत में कहीं भी लाइट नहीं है, तो वो अपना फ़ोन चार्ज करने आ रहा है स्पेशल 10 किलोमीटर चल के, तो स्पेशल यहाँ चार्जिंग करने आ रहा है। तो उसको आएगा वो धीरे धीरे पैदल ही आएगा, क्योंकि लाइट भी नहीं है और गाड़ियाँ भी नहीं चल रही बर्फ़ की वजह से, स्लिप मार रही गाड़ियाँ, तो वो पैदल आ रहा है। तो जब वो आएगा तो फ़ोन कर देगा, फिर उसके पास चलेंगे उसको लेने। यहाँ पर रास्ता भी बताना पड़ेगा ना उसको, तो शूज़ डाल लेंगे, फुट डाली हुई है, और फिर चलेंगे उसको लेने। अभी हम घर से निकल चुके हैं परमिशन लेके, और दीपक का मेरा बना रहा है यार। मेरे को पहले बोल रहा था कि आ जाऊंगा मैं, तो अभी बोल रहा है कि सुकराई भाई भी है लाइट, तो सुकराई भाई ना चले जाएं हम, तो मैं तो उसको बोल रहा हूँ आ जा। अभी हम चल रहे हैं धीरे धीरे, और मेरे साथ है रजनीश है साथ में चला हुआ। तो यहाँ का यार इतना ही कोहरा है ना, क्या ही मोल लग रहा है ना यहाँ पे। मेरे को तो व्यू भी बड़ा अच्छा लग रहा है, और आपने तो देखा ही यार, इतना मतलब धुंधी धुंधा, पूरा चलने में मुश्किल हो रहा है। और हम जा रहे हैं अभी पूरे टॉप पे, वहाँ पर शायद बर्फ़ हो पिघलना की हो, तो ऊपर जाएंगे बिल्कुल टॉप पे, क्योंकि यहाँ पे तो रात को ही पिघल गई थी। तो धीरे धीरे चले हुए हैं, तो चलते हैं गाइस आपके साथ धीरे धीरे। सो आगे आगे रजनीश चला है धीरे धीरे। और यार ये देखो यहाँ का क्या ही व्यू लग रहा है, पूरे जंगल में आ चुके हैं। यहाँ पे हम रास्ता गए हैं भूल, क्योंकि ये वाला रास्ता ना यहाँ से ऊपर जाने के लिए कहीं से है ही नहीं, तो अब वापस आते हैं और ऊपर उस वाले रास्ते से जाते हैं ऊपर को, फिर देखते हैं। और वहाँ पे तो पानी चला हुआ है धीरे धीरे, यहाँ से दिखेगा नहीं क्योंकि धुंध बड़ी है। और ये नीचे धीरे धीरे पानी जा रहा है, यहाँ का व्यू भी इतना मस्त है ना यार। यहाँ पे तो रास्ता भी नहीं है, और इस ये पागल हो रखा है, इसका दिमाग पागल हो गया पूरा। ये रास्ता देखो, यहाँ से आगे को जा रहे हैं, और वो तो धीरे धीरे पहुँच गया, मेरा क्या पता। और वहाँ पर पहुँच गया, और वहाँ पर जाना है अभी। तो गाइस पहले वहाँ पर पहुँच लेता हूँ, फिर करता हूँ शूट, नहीं तो मैं भी जाऊँगा यार। यहाँ पे रास्ता बिल्कुल नहीं है, और आप देख सकते हैं हम, मैं यहाँ खड़ा हूँ और नीचे बिल्कुल ही खाई है, और रजनीश वहाँ है। और रास्ता देखो गाइस, यहाँ का रास्ता इतना बुरा है ना, अभी तक यहाँ ऊपर जाना है और चलने के लिए रास्ता भी नहीं है। और देखो रजनीश कैसे जा रहे हैं ऊपर को, तो हम भी चलते हैं गाइस। यार अभी हम यहाँ पर पहुँचे, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ मिलने शुरू होगी, और इसके हाथ और मेरे हाथ देखो लाल हो गए, और यार कट भी गया है हाथ यहाँ से।
और यहाँ पे देखो अभी तक ऊपर जाना भाई, यहाँ पे रास्ता नहीं है चलने के लिए, हम कैसे चल रहे देखो। गिरे ना तो हम बचने से रहे ना, तो धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। और रजनीश भी अब मेरा हौसला बढ़ा रहा है क्योंकि हाथ भी ठंडे हो गए हैं यार, यही पकड़ के लेके जा रहा है मेरे को धीरे धीरे। और अभी गाइस वो टॉप पे जाना और यहाँ पे रास्ता भी नहीं है, तो चलो चलते हैं धीरे धीरे। मैं तो आप सबको यही कहना चाहूँगा, देखो यार यहाँ पे रास्ता इतना मतलब कसम से यार यहाँ पे रास्ता नहीं है, हम मतलब घास को पकड़ पकड़ के चल रहे हैं। वो देखो रजनीश बिल्कुल घास को पकड़ पकड़ के चल रहा है। और मैं तो आपको यही कहूँगा ना ब्रदर कि जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना, वो ऐसा कभी अपना मतलब कहीं जाओगे ना तो ऐसा कभी ट्राई मत करना, सेफ्टी बिल्कुल सेफ्टी लेके जाना। हम नहीं लेके आए तो हमको पता लग रहा है अब, तो आप मत करना यार ऐसा ट्राई। तो अभी हम ऊपर रोड पे पहुंच जाते हैं फिर यार शूट करेंगे, क्योंकि यहाँ जूते भी स्लिप हो रहे हैं, पैर रखने के लिए जगह नहीं है यार। तो गाइस यार यहाँ पे देखो यहाँ पे भी रास्ता नहीं है, और यहाँ पे तो यार बिल्कुल ही मतलब गंदा ही रास्ता है, यहाँ पे रास्ता भी नहीं है यार, मतलब स्लिप इतना हो रहा है ना। और आप तो ये प्रे करो कि हम बस यहाँ से धीरे धीरे आगे। भाई आपका भी ट्राई मत करना है ऐसा ट्राई मत करना यार, हमारी जो हालत हो रही है ना वो हमको ही पता है। और यहाँ से जाएंगे अब धीरे धीरे, और अगर रास्ता ढूंढते हैं मिलता है तो। और यहाँ पे यार खतरा भी बड़ा है, जंगल है ना तो रुक रुक का खतरा भी बड़ा आता है, तो यहाँ पे कोई नहीं है यार, हम दो ही हैं सिर्फ। तो चलते हैं धीरे धीरे। बड़ी हद 1000 लाइक तो होने ही चाहिए यार, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं ना। और यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार, तुम्हारे छोटे भाई का ये चैनल है, तुम्हारा क्या जा रहा है यार, मैं कितनी बार बोलता हूँ सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो, बस यार एक सब्सक्राइब ही तो बनता है यार, एक सब्सक्राइब ही तो मांगता हूँ आपसे। तो यहाँ से यार वहाँ का व्यू दिखाते इतना अच्छा लग रहा है ना, और यार हम भी बड़े खुश हैं कि हम यहाँ पे पहुँच गए। मंदिर के पास, और यहाँ देखो बीच में बर्फ है, साइड में बर्फ नहीं है और उस साइड भी बर्फ नहीं है, ये पता नहीं क्या चक्कर है। और यहाँ देखो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बर्फ पड़ी है, वो धीरे धीरे जाएंगे यार मैं, क्योंकि इतना डर लग रहा था ना, तो चलो धीरे धीरे चलते हैं। अभी आ चुके हैं हम रूम में, और शाम के बज रहे हैं 7:30, और अभी ब्लॉग्स देख रहे हैं और खाना कोना तो खाए। तो गाइस मतलब आज देखो यार मतलब इतना ऊपर गए थे ना, तो वहाँ से तो डर ही लग रहा था थोड़ा बहुत आने का। तो इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे कर रहा हूँ, आई होप आपको मेरे आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल में, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे न्यू व्लॉग के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।